लगता है। दिन बाद आई हैं तो बर्फी तो बनती है। हाँ, बिल्कुल। वैसे हम आपको बहुत मिस कर रहे थे चाय पर चर्चा में। और देखिए मैं आ गई, वैसे लग भी बर्फी जैसी रही। इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन नरेंद्र मोदी का है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मतलब मोदी। गौरव भाटिया को पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया को बीच में लेके आ रहे हैं। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। हर हफ्ते की तरह बात इस हफ्ते गोदी मीडिया में घटे कुछ किस्सों की करते हैं। इस हफ्ते प्रधानमंत्री का जन्मदिन था तो ये तो साफ ही है कि मीडिया ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। जो मीडिया हर समय सरकार का बचाव करता है, देखते हैं वह मोदी जी का जन्म किस तरह मना रहा है। इस वक्त हिंदुस्तान ने इतिहास बना दिया है। दुनिया के 200 से ज्यादा मुल्कों को हमने पीछे छोड़ दिया है। 2,22,00,000 वैक्सीन हिंदुस्तान में आज ही लगी है और गिनती अभी जारी है। कोई सोच सकता था कि एक दिन में ऐसा हो सकता है? ये हुआ, मगर हुआ कैसे? ये इसलिए हुआ क्योंकि लीडर नरेंद्र मोदी हैं। इसलिए हुआ क्योंकि डायरेक्शन नरेंद्र मोदी का है, नामुमकिन को मुमकिन बनाना मतलब मोदी। इसके अलावा मोदी जी के जन्मदिन पर हैशटैग भी ट्रेंड हुए, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे और मोदी रोजगार दो। बेरोजगार युवाओं ने मोदी का जन्म इसी तरह के पोस्ट कर मनाया। मीडिया सरकार से सवाल करे ना करे पर विपक्ष पर उंगली उठाना नहीं भूलता, लेकिन इस बार मीडिया पर निशाना राहुल गांधी ने लगाया। राहुल गांधी ने अपने एक भाषण में मीडिया पर सवाल उठाए। अच्छा एक बात बताता हूँ, ये सब मीडिया वाले हैं ना, ये भाषण टेलीविजन पे नहीं डालेंगे, ये डाल ही नहीं सकते, ये भाषण टीवी पर नहीं जा सकता। हम इनको दोस्त कहते हैं मगर ये दोस्त है उनके। आज आप देखिए, मैंने मीडिया वालों का मजाक उड़ाया कि हैं उनके मित्र, नहीं उनके मित्र नहीं है, डरे हुए हैं। मीडिया अक्सर सरकार का पक्ष लेता है और विपक्ष से सवाल करता है, इसका एक उदाहरण भी देख ही लीजिए। नाविका कुमार ने अपने शो में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया से उनकी रैली निकलने पर सवाल उठाया, इसका उन्होंने करारा जवाब भी दिया। अयोध्या से क्यों अयोध्या तिरंगा यात्रा? सवाल ये पूछने की मैं कोशिश कर रही हूं कि अयोध्या ही क्यों? क्योंकि जब आगरा से तिरंगा यात्रा निकाली तो आपने पूछा नहीं, जब नोएडा से निकाली, लखनऊ से निकाली तो आपने पूछा नहीं, आज अयोध्या में है तो आप भी पूछ रहे हैं आज क्यों? ये वही नाविका है जो ओलंपिक में खिलाड़ियों की जीत का श्रेय मोदी सरकार को दे रही थी। आपके आते ही जैसे बौछार हो रही है मेडल्स की, पहले भी चानू ने सिर ऊंचा कर दिया था, लवलीन ने किया, अब पीवी सिंधु, हॉकी टीम का भी बेहतर प्रदर्शन है। आपने सिंधु जी से बात की, आपने क्या कहा उनसे? भाषण कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ। मीडिया में अफगानिस्तान, तालिबान, हिंदू मुस्लिम देखकर अगर आप बोर हो गए हो तो आप गुड न्यूज देखिए। गुड न्यूज चैनल पर आपको क्या जानकारी मिल रही है देखिए जरा। तो एक साथ जो हम इतनी सारी अच्छी खबरें लेकर अपने दर्शकों के बीच जाते हैं तो बर्फी खाकर मुंह मीठा करना तो बनता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल बनता इतने है। दिन बाद आई हैं तो बर्फी तो बनती है। हाँ, बिल्कुल। वैसे तो हम आपको बहुत मिस कर रहे थे चाय पर चर्चा में। और देखिए मैं आ गई, वैसे लग भी बर्फी जैसी रही है ना। सुनीता बर्फी पूरे बुलेटिन में शगुफ्ता अब बोली है। शगुफ्ता, आई ऑल राइट, आप चाहें तो हम कोई और डिश मंगा सकते हैं। नहीं वैसे वैसे आई एम मिसिंग समबडी। अच्छा, मुझे लग रहा है शगुफ्ता शायद अदिति को मिस कर रही है। यस, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं।
खैर हमने इतनी सारी बातें कर ली, अब बर्फी का जिक्र किया है तो बर्फी से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प बातें बता देते हैं। स्वाद इसका भले ही मीठा है लेकिन इसने अंग्रेजों का जीना हराम कर दिया था। समझ रहे हो ना? विपक्षी नेता मीडिया एंकर को अक्सर महंगाई पर ना बात करने को लेकर घेर लेते हैं। ऐसा ही कुछ अमीश देवगन के साथ हुआ। नहीं, ओवैसी साहब के जो प्रवक्ता हैं, ये जो बैठे हैं आपके सामने, ये देख रहे हैं ना, ये आसिम मकार, हाँ, सुन रहा ये हूं। पूछ रहे हैं कि पेट्रोल 100 रुपए में बिकना चाहिए 60 रुपए में या 30 रुपए में, ये आप बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया को पूछ रहे हैं, अब आपसे पूछ रहा हूँ, गौरव भाटिया को बीच में लेके आ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों को महंगाई लग रही है क्या वाकई आप भी समर्थन में हैं उनके? नहीं, गौरव भाटिया जवाब देंगे, मैं थोड़ी आपके सवालों के जवाब दूंगा कि पेट्रोल कितने में बिकना चाहिए, पेट्रोल 100 में बिकना चाहिए, 60 में बिकना चाहिए, कौन आपसे बोलेगा ऐसी बात कि पेट्रोल 100 में बिके? कैसी बात करते हैं आप भी, सब चाहते हैं पेट्रोल सस्ता हो लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में दाम बढ़े हुए तो पेट्रोल सस्ता कैसे हो जाए? एक सेकंड, गौरव भाटिया जवाब कहाँ बढ़े और जब बढ़े और जब घटे हुए? गौरव भाटिया जवाब देखिए, जब 28 डॉलर का प्रति बैरल बिक रहा था उस वक्त सस्ते में, अमीश जी चुप कराइए, कौन सा अच्छा तरीका नहीं है ये, कहाँ बढ़े हुए दाम, शांत कराइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। पंजाब की रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe and to get notifications about news, please click the bell icon.